السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hope by the grace of Almighty Allah that you all are fine. As this is class 10th and we are in touch with the chapter in civics, that is political parties. And in the last lecture we have discussed what do you mean by political party and what are the main functions performed by a political party. So here inshallah I am discussing one more topic. That is types of party system in democracy. Got it, Shabash? So in a democratic political system, note it down, in a democratic political system, all groups of organized citizens have the right, have the political right to form various political parties to pursue their needs. तो मैंने बोला है कि अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पे ऑर्गेनाइज्ड सिटीजंस होते हैं. सो इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिटीजंस हैव द पॉलिटिकल राइट टू फॉर्म वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज टू परस्यू देयर इंटरेस्ट्स. सो शबाश, अपने इंटरेस्ट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए एवरीबॉडी हैज द राइट, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सिटीजन हैज ए राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, टू फॉर्म ए पार्टी सिस्टम. गॉट इट शबाश? तो अगर हम पोलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, ये कहा जाता है डेट पोलिटिकल पार्टीज आर क्लासिफाइड ऑन न्यूमरस ग्राउंड. नोट इट डाउन, जो पोलिटिकल पार्टीज हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन न्यूमरस ग्राउंड. जैसे वन पार्टी इज डियर, टू पार्टी इज डियर, या यू कैन कॉल मल्टीपल पार्टी इज डियर. गॉट इट शबाश? सो वन पार्टी सिस्टम इज डियर अकॉर्डिंगली टू पार्टी सिस्टम इज डियर एंड मल्टी पार्टी सिस्टम इज डियर. तो अब मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये कहा है कि अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो जो भी स्टेट्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज्ड सिटीजंस होते हैं, दे हैव द पॉलिटिकल राइट, उनको एक हक दिया गया है टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, टू फॉर्म वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू परस्यू देयर इंटरेस्ट्स, अपने इंटरेस्ट्स को आगे ले जाने के लिए, अपने इंटरेस्ट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको एक हक दे दिया गया कि दे कैन फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. देन आई सेड टू यू दैट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस ग्राउंड्स, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन न्यूमरस ग्राउंड्स. वन पार्टी सिस्टम इज डियर, अकॉर्डिंगली टू पार्टी सिस्टम इज डियर एंड देन मल्टी पार्टी सिस्टम इज डियर. सो इनशाला नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज पार्टी सिस्टम इज वन बाई वन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वन पार्टी सिस्टम. सो वन पार्टी सिस्टम इज ऑल्सो टर्मड एज शबाश सिंगल पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम. तो अब ये सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, ये कहा जाता है दैट अ सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम इज वन. नोट इट डाउन, अ सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम इज वन इन विच अ सिंगल पार्टी, इन विच अ सिंगल पार्टी एंजॉयज अ मेजोरिटी ऑफ पावर. So note it down, here a single party enjoys a majority of power to the exclusion of all other political parties. जो बाकी parties होते हैं उनको छोड़ के यहाँ पे बस एक party शबाश power क्या कर रही है, enjoy कर रही है. So note what is the political single party system now. So in short, a single party system, yeah, a single party political system is one in which a single party enjoys a majority of power and मतलब एक्सक्लूडिंग ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज. जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है क्योंकि ऑनली सिंगल पार्टी एंजॉयज द पावर. गॉट इट शबाश? और अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे तो ये आपको पता होनी चाहिए दैट इन सम कंट्रीज ऑनली वन पार्टी सिस्टम इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. अगर हम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑनली सिंगल पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. समझाए शबाश? तो जो ये सिंगल पार्टी सिस्टम है, मैंने अभी आपको ये भी बोला है कि दैट सिंगल पार्टी हैज power to control and run the government. That's why it is sometimes called as monopolistic party system. Note it down shabash, single party system ko hum kabhi kabhi ko bolte hain kya, mono shabash polistic party system. Have you got it so far shabash? So single party system is sometimes termed as monopolistic shabash party system. Why is it so? Because it effectively functions as a permanent government. It effectively functions as a permanent government, and there is no mechanism by which it can be removed from power. So this very party cannot be removed from power. So it enjoys a permanent majority. It enjoys a permanent power. Got it? So that's why single party system has been termed as
मोनोपोलिस्टिक पार्टी सिस्टम, इसको कभी एक बार कहा गया है क्या, मोनोपोलिस्टिक पार्टी सिस्टम गठी सुभाष। और आपको एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, रिमेंबर सिंगल पार्टी सिस्टम यूजुअली आउटलास अपोजिशन, इट आउटलास अपोजिशन, नोट डाउन। सो आई मीन से अपोजिशन हैज नो रोल टू प्ले हियर, अपोजिशन का यहां पर कोई काम है नहीं, बिकॉज अ सिंगल पार्टी सिस्टम एंजॉयज पावर, अ सिंगल पार्टी हैज बीन गिवन द राइट टू रन एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, समझाया। और अगर हम देखेंगे कि आजकल ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम आज कहाँ पे पाया जाता है, या वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, सो द मोस्ट ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स, जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स किसके हैं, वन पार्टी सिस्टम के हैं, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, नोट डाउन शबाश, रिपब्लिक ऑफ चाइना इज डियर, अकॉर्डिंगली शबाश रशिया इज डियर, यू कैन राइट रिपब्लिक ऑफ चाइना इज डियर, रशिया इज डियर, क्यूबा इज डियर, नॉर्थ कोरिया इज डियर, शबाश क्यूबा इज डियर, नॉर्थ कोरिया इज डियर, अकॉर्डिंग यू कैन से वियतनाम इज डियर। तो व्हाट आई मीन टू से, जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो सिंगल पार्टी सिस्टम किसको बोलते हैं, सिंगल पार्टी पोलिटिकल सिस्टम शबाश इज वन इन विच a single party enjoys the majority of power to the exclusion of all other parties. तो मैंने फिर बोला कि अगर हम countries की बात करेंगे, only one party is allowed to control and run the government. Then I told you that the single party system is sometimes termed as monopolistic party system. कभी कभार हम इसको बोलते हैं कि monopolistic शबाश पार्टी, वाई इज इट सो, बिकॉज इट इफेक्टिवली फंक्शंस एज अ परमानेंट गवर्नमेंट, या देयर इज नो मैकेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ विच, या बाय विच इट कैन बी रिमूव फ्रॉम पावर, गॉट इट, अब तक समझ आया। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये कहा जाए इन सच ए सिस्टम, इन सच ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द रूलिंग पार्टी इज गारंटीड टू इट्स पोजिशन, द रूलिंग पार्टी इज गारंटीड टू इट्स पोजिशन। तो शबाश एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो वन पार्टी सिस्टम है, इट हैज बीन अगेन बीन डिवाइडेड, वन पार्टी सिस्टम भी डिवाइड हुए हो गई है, समझाया शबाश। तो आप तक किसको समझाया, वी आर इन टच विद द टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इज इन डेमोक्रेसी। सो जो वन पार्टी सिस्टम है, जो मैंने भी आपको बोलते हैं कि वन पार्टी सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्टीज, वन पार्टी सिस्टम को भी हम फिर से डिवाइड करते हैं, जैसे इट इज आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम, पहला है शबाश आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम, आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम। अगर आप नाजीज्म की बात करोगे, या नाजी की बात करोगे, फैसिज्म की बात करोगे, कम्युनिस्ट रिजाइम की बात करोगे, शबाश कम्युनिस्ट रिजाइम की बात करोगे, सो देयर इज आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम। जैसे अगर आप नाजी की बात करोगे, हिटलर वाज देयर अकॉर्डिंगली इन फैसिज्म, मुसोलिनी वाज देयर, समझाया। तो व्हाट आई मीन टू से, जो वन पार्टी सिस्टम है, इट हैज अगेन बीन डिवाइडेड, फर्स्ट वन इज आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम, सो शबाश दैट इज नाजी, दैट इज फैसिज्म, या दैट इज फैसिस्ट पार्टी, यू कैन कॉल वन मोर, दैट इज कम्युनिस्ट रिजाइम, एंड वन मोर पार्टी इज देयर दैट हैज बीन टर्मड एज अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम, क्या अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम, अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम। सो व्हाइल इट एग्जिस्ट्स, म्यांमार इज डियर, ईरान इज डियर, नोट डाउन शबाश, म्यांमार शबाश, ईरान, सीरिया, गॉट इट, इजिप्ट इज डियर, या यू कैन से गाना इज डियर, या तंजानिया इज डियर, समझाया, कीनिया इज डियर, जहां भी एग्जिस्ट होते हैं, कौन सा शबाश अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम, एंड देन थर्ड वन इज डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम। जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो सो कांग्रेस वाज अ डोमिनेंट पार्टी, इज इट, कांग्रेस वाज अ डोमिनेंट पार्टी राइट फ्रॉम 1947 to 1977, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेड एज अ डोमिनेंट वन पार्टी इन इंडिया फ्रॉम 1947 to 1977, सो दिस इज ऑल अबाउट वन पार्टी सिस्टम, गॉट इट शबाश। अब अगर हम टू पार्टी सिस्टम की बात करेंगे शबाश, सो नाउ व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम शबाश, बढ़िया, टेल मी, टू पार्टी सिस्टम शबाश, सो टू पार्टी सिस्टम सिंपली मीन्स, या यू कैन अगेन टर्म इट एज बाई पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, व्हाट इज दैट, टू पार्टी सिस्टम को हम और एक नाम से जानते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज by party system, two party system is also termed as by party system. So what is the two party system, shabash, a two party system is one where there are two major political parties,
जहाँ पे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं विच शेयर पावर अमंग देमसेल्व्स, जो आपस में पावर को शेयर करते हैं। सो रिमेम्बर टू पार्टी सिस्टम इज वन, या यू कैन से बाई पार्टी सिस्टम इज वन, वेयर देयर आर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज विच शेयर पावर अमंग ईच अदर, या विच शेयर पावर अमंग देमसेल्व्स। रिमेम्बर दिस वेरी पॉइंट टू, देयर में एग्जिस्ट, यहाँ पे कुछ और पार्टीज भी एग्जिस्ट होते हैं, हो सकते हैं, देयर में एग्जिस्ट सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, बट रिमेम्बर सच पॉलिटिकल पार्टीज डज नॉट हैव एनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जो बाकी पार्टीज होते हैं उनकी कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है। समझ आया शबाश? तो जो ये दो पार्टीज होते हैं, जब जो टू पार्टीज में क्या होते हैं, जो दो पार्टीज होते हैं रिमेम्बर, तो यू नो इट वेल दैट वन पार्टी बिकम्स द शबाश, या वन बिकम्स द रूलिंग पार्टी एंड अदर वन बिकम्स द अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पे एक क्या बनती है शबाश, रूलिंग पार्टी एंड अदर वन इज अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी। तो रिमेम्बर जो सिंगल पार्टी सिस्टम है दैट आउटलास अपोजिशन पार्टी, वहां पे अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता है, बट एज फार एज टू पार्टी सिस्टम इज हियर, वन पार्टी बिकम्स द रूलिंग पार्टी, यहां पे एक पार्टी क्या बनती है रूलिंग पार्टी एंड अदर पार्टी बिकम्स द अपोजिशन पार्टी। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट हियर अपोजिशन हैज अ रोल टू प्ले, अपोजिशन यहाँ पे रोल प्ले करती है कहां पे, इन टू पार्टी सिस्टम। और टू पार्टी सिस्टम कहां कहां पे पाया जाता है शबाश, अगर हम यूके की बात करेंगे, यूके मीन्स यू कैन से ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, या यू कैन कॉल इट यूके, यूके इज दियर, यूएसए इज दियर शबाश, यूके यूएसए, या यू कैन से ऑस्ट्रेलिया इज दियर, कैनेडा इज दियर। समझ आया? जहां पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम पाई जाती है शबाश। सो टू पार्टी सिस्टम कहां पे पाई जाती है, ग्रेट ब्रिटेन या यू कैन कॉल इट यूके, या यूएसए में भी पाई जाती है। अगर हम शबाश यूके की बात करेंगे, यूके में कौन कौन सी पार्टी हैं, इन यूके इज लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, नोट इट डाउन। तो अगर हम ग्रेट ब्रिटेन या यूके की बात करेंगे तो वहां पे कौन कौन सी पार्टी है शबाश, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। और अकॉर्डिंगली अगर हम यूएसए की बात करेंगे, कहां की शबाश, अगर हम यूएसए की बात करेंगे, सो देयर इज रिपब्लिकन पार्टी एंड देयर इज डेमोक्रेटिक पार्टी। सो यूएसए में शबाश रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट टू पार्टी सिस्टम, गॉट इट? एंड अकॉर्डिंगली देन देयर इज वन मोर पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी एंड देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाट इज दैट शबाश? तो अब आपको ये खुद समझ आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी पार्टी सिस्टम शबाश। सो द थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम, नोट डाउन, मल्टी पार्टी सिस्टम। सो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है शबाश? सो मल्टी पार्टी सिस्टम इज वन वेयर मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली इक्वली, या यू कैन से वेयर देयर आर मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली इक्वली पावरफुल हैव इम्पैक्ट इन द स्टेट्स पॉलिटिकल लाइफ, व्हाट इट? सो इन शॉर्ट अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करेंगे, सो एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट, एट द सेम टाइम टू आर मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट टू फंक्शन। समझ आया? तो यहाँ पे शबाई मल्टी मीनस मनी, मल्टी मीनस जैसे टू बाई पार्टी मीनस टू, या टू पार्टी में टू पार्टी कैन एग्जिस्ट, वन पार्टी बिकम्स द रूलिंग पार्टी एंड अदर पार्टी बिकम्स द अपोजिशन पार्टी। अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करेंगे शबाश, सो एट द सेम टाइम मनी पार्टीज एग्जिस्ट एंड दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, गॉट इट? सो यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टीज होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ईच पार्टी कम्पीट्स फॉर वोट्स, कहाँ पे? इन मल्टी पार्टी सिस्टम शबाश, ईच पार्टी कम्पीट्स फॉर वोट्स, इज इट इट? इन मल्टी पार्टी सिस्टम ईच पार्टी कम्पीट्स फॉर वोट्स, सो इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, इज इट इट? मल्टी पार्टी सिस्टम रिड्यूसेस द चांस ऑफ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट एंड इंक्रीजिंग दी लाइक्लीहुड ऑफ कोलिशन। यहाँ पे शबाश कोलिशन का रोल ज्यादा होता है, कहाँ पे? इन मल्टी पार्टी सिस्टम देयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कोलिशन। तो यहाँ के यहाँ ये कहाँ पे पाई जाती है, हमें लाइव एग्जाम्पल है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया, जर्मनी में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, समझाया? एंड अकॉर्डिंगली फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी। इंशाल्लाह नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर रिक्वेस्टेड टू रीड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, गो थ्रू द टॉपिक योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस वीडियो लेसन। थैंक्स।